my dear students, so we were doing about the test for cations. So last thing, yesterday I told you that you have to take the little bit amount of the salt और उसमें पानी डाल देना है और उसको dissolve करना है. Aqueous solution of salt बन जाएगा आपके पास. ठीक है जी, उसमें आपने दो चीजें ऐड करनी थी. एक आपने क्या ऐड करना था, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी चीज एक्वस अमोनिया. ये दो चीजें जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी थी उसमें. अच्छा जी, तो उसके दो काम होने थे. पहला काम मैंने कल बताया था आपको कि प्रेसिपिटेट नॉट फॉर्म, और दूसरा काम क्या हुआ था, द प्रेसिपिटेट फॉर्म. प्रेसिपिटेट बेटा सॉलिड चीज को कहते हैं. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज ये हमारे पास वाटर है, इसमें ये पानी पड़ा हुआ है. ठीक है, इसके अक्रॉस मैं अगर अपनी उंगली रखता हूं और आपको कहता हूं कि इसमें से देखो तो आपको थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा. लेकिन अगर इसमें जो है वो सपोज करें कि कोई जूस पड़ा होता, मैंगो जूस सपोज कर लेते हैं, तो मैंगो जूस पड़ा होता और अपनी उंगलियां मैं इधर रखता तो आपको नजर आ जानी थी, नहीं आनी थी. क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है जी. तो सॉलिड पार्टिकल्स अगर मौजूद होंगे तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म, और अगर सॉलिड पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, क्लियर सॉल्यूशन आपका होगा, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट नॉट फॉर्म. अगर आपके प्रेसिपिटेट नहीं बने तो आपका एक ही पॉजिटिव आयन हो सकता है जिसको कहते हैं अमोनियम आयन. इसको अमोनियम पढ़ते हैं जी. ठीक है जी, अमोनियम आयन मे बी प्रेजेंट. ठीक है जी, इसको कंफर्म करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी डू, वी टेक द टेस्ट ट्यूब वन. हमारे पास ये दो टेस्ट ट्यूब थी, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था. ये पहली टेस्ट ट्यूब थी, ये दूसरी थी. दोनों में थोड़ा सा सॉल्ट और पानी था, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट था. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और पहली टेस्ट ट्यूब में हमने डाले थे 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी में डाले थे 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया. एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होती है, स्ट्रॉन्ग एल्कली होती है, जबकि ये वीक एल्कली होती है. तो ये डालने से यहां तो प्रेसिपिटेट नहीं बने थे, यानी ये दोनों सॉल्यूशन क्लियर रहे थे, यहां पर प्रेसिपिटेट बन गए थे. अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनते, दोनों क्लियर सॉल्यूशन रहते हैं, तो इट मींस कि अमोनियम हो सकता है. और उसको मजीद कंफर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब वन जो है, जिसमें पहले तुमने 5 से 10 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाले थे, अब उसमें एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें. ठीक है जी, और उसको हीट करें जेंटली. जेंटली हीट का मतलब होता है बेटा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चीज पड़ी होती है. ये देखें, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ी हुई है, तो ये शोला है. ये देखें, ये आपका फ्लेम है. तो इसको फ्लेम के ऊपर आपने रख ही नहीं रखना, थोड़ा सा रख के साइड पे, रख के साइड पे. तो इसको कहते हैं इसको जेंटली हीट करना. जेंटली हीटेड इफ अ गैस प्रोड्यूस्ड टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, तो वो आपकी अमोनिया गैस होती है और आपका अमोनियम आयन जो है वो कंफर्म हो जाता है जी. ठीक है जी, ये कब करना है, जब दोनों टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन क्लियर रहेगा पानी की तरह का. ठीक है जी, लेकिन अगर आपके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं यहां पे, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट देखना है. कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट 4 कलर्स का हो सकते हैं. एक वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट होंगे तो ये 3 पॉजिटिव आयन पॉसिबल हैं कि हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और जिंक. और दूसरा आपका ब्लू प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं,
ब्लू प्रेसिपिटेट होंगे तो एक ही पॉजिटिव आयन हो सकता है, कॉपर प्लस टू। तीसरा आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट दैट इज Fe प्लस टू एंड Cr प्लस थ्री, क्रोमियम प्लस थ्री। और चौथी चीज मेरे बच्चों, प्रेसिपिटेट का कलर रेडिश ब्राउन भी हो सकता है, रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो एक ही चीज बनाती है, Fe प्लस थ्री। ठीक है जी, तो ये तुम लोगों ने जो है ना ये कैटायंस याद कर लेने हैं। अमोनियम आयन कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, और उसमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट करें अमोनिया गैस बन जाए, जिसका पता कैसे चलता है कि वो एक गीले रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, तो अमोनियम कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बनी हो तो आप उनका कलर चेक करेंगे, प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, या फिर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो आपके हो सकते हैं जी। ठीक है, तो इनमें से जो प्रेसिपिटेट हैं दे आर पॉसिबल। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे तो ये वाले पॉजिटिव आयन आपके हो सकते हैं, अगर ब्लू प्रेसिपिटेट होंगे तो ये वाले हो सकते हैं, अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे तो ये दो हो सकते हैं, और अगर आपके जो है वो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट शुड यू डू, आपके पास ये दो टेस्ट ट्यूब थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनमें पहले 5 से 10 ड्रॉप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और उसमें 5 से 10 ड्रॉप आपने एक्वस अमोनिया के डाले थे। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, इनमें एक्सेस में डाल दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली टेस्ट ट्यूब में, ठीक है जी, और दूसरी के अंदर जो है वो एक्सेस में एक्वस अमोनिया डाल देंगे। ठीक है जी, अब क्या होगा कि ये दोनों चीजें डालने से प्रेसिपिटेट या तो डिजोल्व हो जाते हैं या आपके डिजोल्व नहीं हो पाते जी। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको आसान सा एक तरीका बता देता हूं जिससे ये चीजें आपको याद रहेंगी। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको याद करने का तरीका। अच्छा जी, इसके लिए ये साई का वर्ड जो है वो याद रखें, कैल्शियम के लिए इन का वर्ड, जिंक के लिए SS, इसके लिए एस, इसके लिए आई आई, और इसके लिए SI, और इसके लिए आई आई। आई वर्ड का मतलब होता है जी इनसॉल्युबल। ओके गाइस, सो आई का मतलब होता है इनसॉल्युबल, एस का मतलब होता है जी सॉल्युबल, और एन का मतलब होता है नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक है जी, अब यहां पे देखें कि अगर एल्यूमिनियम के वाइट प्रेसिपिटेट होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले जो वाइट प्रेसिपिटेट थे, अगर उसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एक्वस अमोनिया वाले जो वाइट प्रेसिपिटेट हैं, अगर एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया डालोगे तो दे विल रिमेन इनसॉल्युबल। ओके, इस तरह जिंक के दोनों में डिसॉल्व हो जाते हैं, कैल्शियम के इनसॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और एक्वस अमोनिया में वो नो प्रेसिपिटेट दे फॉर्म। ओके, तो ये वाला टेबल जो है ना ये याद करना आसान है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में पेपर में जब आ जाए तो Al+3 के लिए साई का वर्ड, कैल्शियम+2 के लिए इन का वर्ड, तो ये जल्दी चीज जो है वो याद हो जाती है जी। ठीक है, और पेपर में इससे रिलेटेड 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, सो यू शुड लर्न दिस वन। ओके चलिए जी, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं। सर जब 5 से 10 ड्रॉप जाने तो कुछ भी नहीं फॉर्म होगा, सॉरी किसमें, जब 5 से 10 ड्रॉप जाने सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया के तो कुछ भी फॉर्म नहीं होगा भाई ट्यूब में। कह तो रहा हूं नहीं कुछ फॉर्म होगा तो बता तो रहा हूं ठीक है कि मैम, अमोनियम है, और अगर तुम्हारे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं तो तुम्हें उनका कलर चेक करना होता है एक्सेस में डालेंगे तो जी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेस्ट फॉर एलायंस। अच्छा जी, टेस्ट फॉर एलायंस, नेगेटिव आयंस के टेस्ट। तो फॉर नेगेटिव आयंस माय डियर स्टूडेंट्स,
सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज द नाइट्रेट NO3-1, सो दिस इज द नाइट्रेट टेस्ट। आप लोगों ने क्या करना होता है, हर बार जब भी नेगेटिव आयन का टेस्ट करना है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लें, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट एंड ऐड वॉटर इन साइड इट, ठीक है जी, एंड जस्ट डिजॉल्व इट, सो यू विल गेट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ओके। Now what should you do? You should add aqueous sodium hydroxide inside it and aluminium foil. तो ये दो चीजें डाल के और आपने क्या करना है, इसको हीट करना है gently. If a gas produced turns moist red litmus blue, so that would be the ammonia gas, ठीक है जी, and your NO3-1 that is confirmed, ठीक है जी। अब यहां पे जो मैं छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं बेटा, वो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, नाइट्रेट का टेस्ट और दूसरी चीज अमोनियम जो मैंने पीछे करवाया तो NH4 पॉजिटिव, इन दोनों के टेस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों के अंदर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और अमोनिया गैस बनती है, लेकिन जो अमोनियम का टेस्ट है उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और हीट करने से अमोनिया बनती है, जबकि नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम फॉइल डाल के हीट करने से अमोनिया बनती है, तो ये दोनों में फर्क होता है जी। तो अगर आपके पास कहीं पे भी कोई नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन को टेस्ट करने के लिए ये दो चीजें डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है जी, और हीट करके अमोनिया बने तो वो नाइट्रेट का टेस्ट होता है जी, ठीक है। उसके बाद दूसरे टेस्ट पे आ जाए, दूसरा टेस्ट आपका क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट, ठीक है जी। इसके लिए तुम लोगों ने दोबारा से नए सिरे से थोड़ा सा सॉल्ट और पानी लेके उसको डिसॉल्व करना है, तो यू विल गेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। इसमें हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और दूसरी चीज जो है एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे जी, ये दो चीजें जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी है। सो व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ दीज थिंग्स अप हियर, सो व्हाट वुड हैपन, अगर आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे तो क्लोराइड कंफर्म हो जाएगा, और अगर आपके पास ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे so you will get bromide confirmed, और अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वन दैट इज द सल्फेट टेस्ट। सल्फेट के टेस्ट के लिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले लेंगे, सो दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और इसमें हम लोग दो चीजें डालते हैं, पहली चीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और दूसरी चीज इसमें डालते हैं एक्वस बेरियम नाइट्रेट और एक्वस बेरियम क्लोराइड, तो ये दो चीजों में से कोई एक चीज डालते हैं, ठीक है। तो ये डालने से अगर आपके जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बनने से सल्फेट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है जी। अगर सिल्वर नाइट्रेट के डालने से वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो क्लोराइड कंफर्म होता है, बेरियम नाइट्रेट के डालने से अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो आपका सल्फेट जो है वो कंफर्म होता है जी, ओके। नाउ द फोर्थ थिंग दैट इज द सल्फाइट आयन SO3-2 टेस्ट। सल्फाइड आयन के लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ले लेते हैं और इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। तो कंसंट्रेटेड HCl के डालने से अगर अ गैस प्रोड्यूस्ड टर्न एसिडिफाइड KMnO4 फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी और आपका सल्फाइड कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपको रिएजेंट्स के नाम याद करने हैं कि नाइट्रेट के टेस्ट के लिए ये दो रिएजेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉइल और अमोनिया बनती है। क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड ये तीनों जो हैं इनके लिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड, ऑफ व्हाइट ब्रोमाइड और येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो आयोडाइड। इसी तरह सल्फेट के टेस्ट के लिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड दोनों में से कोई एक चीज डाल दो। तो ये डालने से अगर आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं माय डियर तो यू विल गेट द सल्फेट कंफर्म। और सल्फाइड के टेस्ट के लिए जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। तो अगर एक गैस प्रोड्यूस हो जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट को पर्पल से कलरलेस कर दे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और आपका सल्फाइड जो है वो कंफर्म हो जाता है। सर हम सॉल्ट कोई सा भी ले सकते हैं? सॉल्ट कौन सा? यहाँ पे क्या के ऊपर वाला क्या कह रहे? यस सर, वही पे ये टेस्ट ट्यूब में। बेटा टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्ट तुम्हें गिवन है तुमने उसको चेक करना है ना कि उसमें कौन सा नेगेटिव आयन है। तो ये करके देखते जाओ, अगर नहीं तुम्हारा ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं आती, अमोनिया नहीं बनती ये दो चीजें डालने से, तो फिर अगला टेस्ट कर लो। अगर ये भी नहीं बनते फिर अगला कर लो, ये भी नहीं बनता फिर ये अगला कर लो। अगर ये भी नहीं होता तो आखिरी टेस्ट है वो करके देख लो, तो कोई ना कोई नेगेटिव आयन निकल आता है। यू गॉट इट? यस सर। अगला जो है वो कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स यू टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी, और इसमें आपने जो है वो क्या डालना है, डाइल्यूट HCl, ठीक है। व्हेन यू ऐड द डाइल्यूट HCl सो व्हाट वुड हैपन, एफर्वेसेंस सीन, एफर्वेसेंस क्या होती है, कभी आप कोक की बोतल को या सेवन अप की बोतल को जोर से हिला के अगर आप खोलते हैं तो उसमें से एक झाग सी बाहर निकलती है, वो जो झाग होती है उसको एफर्वेसेंस कहते हैं। और याद रखो जहां भी वो एफर्वेसेंस होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो एफर्वेसेंस सीन एंड अ गैस प्रोड्यूस्ड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो चीज लाइम वाटर को मिल्की करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और आपका कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है, CO3-2 कंफर्म, ठीक है जी। सो दीज आर द एनायंस टेस्ट। ये आप लोग कैटायंस और एनायंस जो है वो इनको लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि जिसको ये आते होंगे उसको चीजें करनी जो है वो आसान होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल से जो है वो हम लोग अपना मेटल्स वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज और एक्सट्रैक्शन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो पोल्यूशन वाला करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे मोल्स वाला है तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।